व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम चेंज कर दिया है आई जन डैजी से ताहा अशरफ ऑफिशियल पे। अब लोग कह रहे हैं कि आपने ऑफिशियल क्यों रखा है, आपके सिर्फ 500 फॉलोअर्स हैं। तो यार, ताहा अशरफ ऑलरेडी टेकन था और अगर मैं ऑफिशियल ना लगाता तो उसके जगह मुझे कोई नंबर रखना पड़ता तो थोड़ा सा अजीब लगता है। सो आई डिसाइडेड कि ऑफिशियल रख लेता हूँ, आगे जाके कभी ना कभी तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सो या दैट इज़ द रीज़न। और इसी तरह मैं अपना यूट्यूब नेम भी चेंज करने वाला हूँ फ्रॉम आई जन डैजी टू ताहा अशरफ। तो अब काफ़ी लोग कंसर्न है कि यार आप यूट्यूब नेम चेंज कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल यू बी मेकिंग। डोंट वरी, मैं टेक रिव्यूज़ बनाता हूँ एंड आई विल कीप मेकिंग टेक रिव्यूज़। इसके अलावा मैं एक दो प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ जैसे कि आज वाला, सो आई एम गोना कवर ऑल दैट। लेकिन उसके अलावा आई विल ऑल्सो बी मेकिंग एंटरटेनमेंट वीडियोज़, आई विल बी मेकिंग ब्लॉग्स। मोस्ट ऑफ माई ब्लॉग्स विल स्टिल बी रिलेटेड टू गेमिंग, लेकिन उसके साथ साथ मैं गेमिंग स्किट्स वगैरह भी बनाऊंगा। सो अबाउट टुडेज़ वीडियो, वट इज़ दिस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है क्या जिसके बारे में पिछले 4 महीने से अपने इंस्टाग्राम पे और अपनी फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ? वेल, दिसंबर 2019 में एट्रियम मॉल जो कराची में लोकेटेड है वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था बाय द नेम ऑफ विंटर गेम फेस्ट। उस इवेंट को कवर कर रहा था मेरा एक दोस्त अरसलान शकील, हु इज़ ऑल्सो नोन एज गाय दैट डज एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। तो वहाँ पर अरसलान भाई अपनी एक और वीडियो शूट कर रहे थे विच वॉज अ माउस कंपेरिजन बिटवीन अ ग्लोरियस मॉडल ओ एंड अ लॉजिटेक G502। उस वीडियो के अंदर उन्होंने 4 यूट्यूबर्स को फीचर किया था, मैं, उमर्स मेनिया, मिथिका और वो खुद। उस वीडियो से मुझे एक आइडिया मिला कि यार इस वीडियो के अंदर 4 यूट्यूबर्स हैं, क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर इससे ज़्यादा यूट्यूबर्स को रखा जाए। वहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं इस आइडिया पर काफ़ी देर सोचा, लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया और मुझे ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन जून में ये आइडिया फिर से रिवाइव हुआ और मुझे फिर से ख्याल आया कि क्यों ना इस आइडिया पर काम किया जाए। मैंने पूरी रिसर्च की और देखा कि किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो शूट कर सकते हैं। तो फाइनली हुआ कि मैं पहले कराची से लाहौर जाऊंगा और लाहौर से इस्लामाबाद जाऊंगा, तब जाके प्रोजेक्ट वैसा शूट होगा जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट मैं फाइनेंशियली अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता था। मैं अपनी तरफ से पैसे लगा के जो है ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता था कि कराची से लाहौर जाऊँ और फिर इस्लामाबाद जाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू रीच आउट टू स्पॉन्सर्स एंड देन मिथिका सजेस्टेड कि यार टेक्सनवेयर पर ट्राई करो, दे आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैंने यासीन भाई को मैसेज किया हु इज़ द ओनर ऑफ टेक्सनवेयर एंड ही वॉज रियली हैप्पी टू हियर अबाउट माई आइडिया। उनको ये काफ़ी यूनिक लगा और यार से पहले किसी ने किया भी नहीं है, सो ही डिसाइडेड टू स्पॉन्सर माई प्रोजेक्ट। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई जिसके अंदर अराउंड 20 यूट्यूबर्स थे, जिसके अंदर से 3 लाहौर के फेमस थे, उसके अलावा इस्लामाबाद के थे और बाकी कराची के थे। तो मैंने उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई कि यार मुझे इन इनसे मिलना है। तो 12 जुलाई को मैं और मेरा एक दोस्त हु इज़ अ फोटोग्राफर, अब मैंने ये सोचा था कि यार 2 कैमरे होंगे तो फुटेज अच्छी बनेगी, तो मैं अपने एक फोटोग्राफर दोस्त को साथ ले गया। हम दोनों 12 जुलाई को कराची से रवाना हुए थे लाहौर के लिए। लाहौर जाकर सबसे पहले तो एक दिन हमने ज़ाया किया, हमने लाहौर की मशहूर जगह देखी इंक्लूडिंग मीनार पाकिस्तान एंड बादशाही मस्जिद। और उसके बाद हम मिलने गए थे जेजी गेमिंग से। जेजी गेमिंग इज़ अ फॉर्टनाइट यूट्यूबर। जेजी भाई का शूट कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हमें ड्रॉप किया था मिथिका के घर, और मिथिका का शूट कंप्लीट करने के बाद हम घर चले गए क्योंकि रात हो चुकी थी। और फिर नेक्स्ट डे हम मिले थे रेहानी से। रेहानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पबजी पीसी प्लेयर्स इन पाकिस्तान, पबजी मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमर्स एंड द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पबजी इन पाकिस्तान। रेहानी का शूट करने के बाद मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलना था, तो मैं उस दिन पूरा बिजी था और अगले दिन लाहौर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। सो वी डिसाइडेड कि यार हमें इस्लामाबाद में ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं और ज़्यादा दिन चाहिए, सो वी डिसाइडेड टू लीव फॉर इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में इससे पहले कभी गया नहीं था। अगर हम होटल में रुकते तो सारी जो हमारी इन्जॉयमेंट थी वो ख़त्म हो जाती, हम किसी के साथ घूम फिर नहीं सकते थे। सो वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ फ्रेंड्स प्लेस हु इज़ ऑल्सो यूट्यूबर नोन एज फाजिल यूसुफज़ई। और उसके बाद हमने अगला पूरा दिन इस्लामाबाद के कुछ मशहूर जगह घूमी इंक्लूडिंग फैसल मस्जिद, दामनेको एंड मार्गला हिल्स, और वहाँ के सीन्स ही डिफरेंट थे। अब घूमने फिरने के बाद नेक्स्ट डे हम मिले थे हाइब्रिड गेमर से, हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द को ओनर्स ऑफ आई जन गेमिंग जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड ही ऑल्सो हैज़ अ बिग नेम इन द गेमिंग यूट्यूब कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। उसी दिन शाम में हम मिले थे FTL गेमिंग से, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमर्स ऑफ फॉर्टनाइट इन द गेमिंग कम्युनिटी। तो अगले दिन सुबह में हम मिले थे टीचर से, हु इज़ अ गेमिंग स्लैश टेक यूट्यूबर। और फिर उसी दिन रात में हमें मिलना था प्रेडिटर से, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट पबजी मोबाइल स्ट्रीमर्स ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास इस्लामाबाद में 2 दिन बचे थे और हमें इस्लामाबाद का एक बहुत फेमस गेमिंग जोन है बाय द नेम ऑफ रेट्रो गेमिंग जोन, हमें वो चेकआउट करना था। सो वी डिसाइड टू गो देयर एंड लकीली एक और यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ कुरैशी हु हैज़ अ बिग नेम इन द फॉर्टनाइट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। सो वी डिसाइड टू टेक हिज पार्ट एज वेल। और इसके बाद हमारे पास 1 दिन बचा था, सो वी डिसाइड कि हमारे जो इस्लामाबाद के ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उनको हम एक किसी जगह पर बुला के मीटअप कर लेते हैं। सो वी डिसाइडेड टू गो एट सेवर्स। सेवर्स इज़ अ फेमस ईटरी इन इस्लामाबाद जो काफ़ी फेमस है, सो वी डिसाइडेड टू चेक दैट आउट। उसके बाद हम वापस कराची आ गए। कराची आकर पहले तो हमने 1 हफ्ता रेस्ट किया क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। ये एक पूरा 10 डे ट्रिप था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, और हमने 1 हफ्ता रेस्ट किया और उसके बाद वापस हमने प्रोजेक्ट शूट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें कराची में काफ़ी यूट्यूबर्स का शूट करना था इंक्लूडिंग उमर्स मेनिया, गाय दैट डज एवरीथिंग, मेजर जिपी, लव पोटेटोज, फ्रिस्बी, एक्सो एंड कैप्टन होप।
अब इन सब का शूट करने में इतना टाइम नहीं लगना था, लेकिन बीच में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा GPU खराब हो चुका था, सो वी हैड टू डिले द प्रोजेक्ट, वरना अब तक ये प्रोजेक्ट रिलीज हो चुका होता। तो फाइनली प्रोजेक्ट पूरा शूट हो चुका था, सही है। इसका जो ट्रेलर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आएगा, और उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद आएगा। अब इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस था वो आप खुद स्पॉन्सर से ही सुन लें। तहा भाइयों की तरह एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि उसने मुझसे डिस्कस किया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें बहुत सारे स्ट्रीमर्स, यूट्यूबर्स होने चाहिए, टेक रिव्यूअर्स होने चाहिए, जिनको हम एक ही वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे और एक अच्छी सी वीडियो बनेगी जिसके अंदर सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल, एफर्ट जो भी है वो डिस्कस होगी। और इससे पता ये चलेगा कि जब ये पूरा उनका जर्नी स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक उन लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे आइडिया बहुत क्लिक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा लेट्स डू इट, करते हैं इसको। मुझे बहुत पसंद आया और फिर इसको हमने लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा ताहा ने इसको शूट किया, इस पर काफ़ी एफर्ट लगी है उसकी, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा है ऑल द वे टू पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान में उसने ट्रैवल किया, तो हैट्स ऑफ टू हिम। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो ये था वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम भी लगा है, और मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल भी करके जाना पड़ा था। सो आई होप दिस प्रोजेक्ट डज गुड। फाइनली जब ये रिलीज होगा तो हम इसका इंप्रेशन देख लेंगे। सो या, इफ यू गाइस एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। नहीं कर, 15 तेरे घर पहुंच जाएगा वो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं?